आपके साथ। तालाब में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के बेगमबाग की है, जहां वार्ड संख्या 46 में एक शव तालाब में तैरता हुआ मिला। घटना की सूचना पाकर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जिस तालाब में शव पाया गया है वो बिल्कुल सुनसान इलाका है, जहां से लोगों की आवाजाही बराबर होती है और शव की हालत देख कर सप्ताह भर पुराना लगता है। लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। जब मछुआरे मछली पकड़ने तालाब में गए तो दुर्गंध से शव का पता चला। लोगों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। देखो लारिस लाश पड़ा हुआ है नदी पोखर में। पहचान हुआ है सब? नहीं, इसका पहचान नहीं हुआ है अभी तक। देख के क्या लग रहा है, कितना दिन पहले मरा होगा? मिनिमम लग रहा है 20-25 दिन का। जेंट्स है? हाँ जेंट्स है। कौन सा जगह ये? ये सिंघिया नदी बेगम आबाद। पुलिस को सूचना दी है आपने? शायद सूचना दे दिया, हाँ सूचना मिल गया है, आया नहीं है प्रशासन अभी। सदर थाना के क्षेत्र? हाँ ये सदर थाना वार्ड नंबर 46 हो गया। की बोलवे क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर तो देखते हैं हल्ला गुल्ला सुनकर देखते हैं कि लवारिस लहर पड़ल है। हाँ पोखर में या पोखर ये मोहनकुंडा क्षेत्र पड़ता है, बेगमबा सिंहा टोल। कैसे पता चला आप लोगों को? यहाँ पर अभी हम लोग तो थे, मतलब कि जरा सा सगा संबंधी गए थे तो वहाँ यहाँ से फोन हुआ कि ऐसा सब बात है, तो वहाँ से आए यही देखते हैं लहा तो वहाँ धरल है। कितना दिन मतलब पुराना लाश लग रहा है? हाँ 20-25 रोज का।